दोस्तों जब भी हमारे घर में केले पक जाते हैं तो या तो वो फेंकने के काम आते हैं या लेकिन उनको कोई खाता नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस केले को भी हम अपनी खूबसूरती बढ़ाने के यूज़ में ला सकते हैं। सर्दियों के दिनों में जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो ये पका हुआ केला ही बहुत काम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पके हुए केले को हम यूज़ करते हैं अपनी खूबसूरती बढ़ाने में, जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ उसमें एक इंस्टेंट ग्लो लेके आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे ये लाल बटन है, इसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से यूज़फुल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए पका हुआ केला। देखिए यहाँ पे मैंने पका हुआ केला लिया और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। आप इसको एकदम अच्छे फाइन तरीके से मैश कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे कच्चा दूध। यहाँ पे करीब एक चम्मच कच्चा दूध हम इसमें लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कच्चा दूध और केले का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन में एक ग्लो लेके आता है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धोइए, फिर उसके बाद अपने चेहरे पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगे रहने दीजिए। 10 मिनट बाद अपने चेहरे पे हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए और फिर नॉर्मल पानी से इसे धो लीजिए। आप देखेंगे कि एक ही बार यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और ड्राइनेस भी दूर हो गई है। तो चलिए देखते हैं दूसरी रेमेडी। इसके लिए हमें फिर से पका हुआ केला चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने पका हुआ केला लिया और उसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच दही। केला हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, साथ ही साथ दही जो है हमारी स्किन में ग्लो लेके आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है स्किन के लिए। देखिए यहाँ पे केला और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। इसको लगाना भी उतना ही आसान है। सबसे पहले अपने फेस को वॉश कीजिए और फिर अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर 15 मिनट बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नेचुरल डिवा। थैंक यू।